दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये डीपॉल वॉलेट का एक्सटेंशन है। इसको जैसे ही आप वेबसाइट को खोलेंगे deepallwallet.io, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ओरिजिनल। और उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपके सामने खुलेगा डीपॉल वॉलेट। ओके, ये डॉज कॉइन ब्राउजर एक्सटेंशन वॉलेट है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में, मोबाइल से अभी नहीं होगा। आप इससे कर सकते हैं, फिर आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसको फिलहाल आप लैपटॉप या पीसी से कर सकते हैं। तो क्रोम एक्सटेंशन है, जैसे ये एक्सटेंशन मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इस टाइप के एक्सटेंशन है। इसमें यहाँ पे ये वॉलेट इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करके आपको लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर इंस्टॉल ब्राउज़र का इंस्टॉलेशन आ जाएगा। और उसके बाद इस टाइप का आप देख सकते हैं ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसलिए रिमूव बता रहा है। आप इंस्टॉल करेंगे, ऐड बताता है, तो ऐड करके इंस्टॉल, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का खुल जाएगा। और यहाँ पे जाके आप इसको पिन कर लीजिए, पिन पे दबा दीजिए, ठीक है। तो ये पिन हो जाएगा आपके। और ये देखिए यहाँ पे आइकॉन आ गया, जब भी आप खोलेंगे खुल जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से ये जो बता रहा है, वन डॉज इज इक्वल टू वन डॉज स्पेंड डॉज कॉइन विथ डीपॉल। और यहाँ पे ये बता रहा है क्रिएट न्यू वॉलेट। अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं नया वॉलेट। और अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ तो यहाँ से आप इम्पोर्ट और रिस्टोर वॉलेट कर सकते हैं। इसमें शीड होता है, 12 वर्ड का प्रेस होता है, ठीक है ना। इसको ये इम्पोर्टेंट है, संभाल के रखिएगा प्राइवेट में, ताकि रीस्टोर करने के काम में आएगा आपके वॉलेट को। यही इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसमें ये बताया गया डेवलपर द्वारा कि ओपन सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, ऐसा डिक्लेयर किया है। और फिर भी उसके टर्म्स कंडीशन आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको नया पासवर्ड देना पड़ेगा। एक न्यू पासवर्ड दे दीजिए 8 लेटर का, एटलीस्ट एक लेटर हो और नंबर हो उसमें, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करके क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। मैंने पासवर्ड दिया, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। और जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे बन गया। और ये मेरे को मेरा की बता रहा है, ठीक है, पर्सनल की जो बैकअप के लिए है। और इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे की बता देगा मेरे को, और मेनमोनिक है ये, इसको सेव करके रखना है आपको, ताकि कोई भी प्रॉब्लम मतलब ये बैकअप है आपका, जिसे कभी भी आपको वॉलेट को खोलना हो तो इसको डालेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, बिना इसके खुलेगा नहीं, ताकि कोई आपका मिसयूज भी नहीं करेगा। तो इसको प्राइवेट जगह पे सेव करके रखिएगा, किसी को बताइएगा मत, नहीं तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं रिवील करना है, बस किसी के सामने याद रखिए, ये आपके कंट्रोल करेगा पूरे अकाउंट को। तो ये बैकअप कर लीजिए, ठीक है। बस सिंपल है, ये आपका अकाउंट बन गया। मैं लॉग और आपको बताता हूँ इसमें पासवर्ड डाल के, पासवर्ड को सेव रखिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड वॉलेट सेटअप, डॉज डिसेंट्रलाइज नेटवर्क नाउ अवेलेबल, ठीक है। चलो दोस्तों, ये बन गया वॉलेट। इसी तरीके से वॉलेट बनाना है, और प्रेस को एक बार रीअरेंज करके डाल दीजिएगा जैसे ही आएगा इसके पहले, और बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद पासवर्ड डाल के ओपन करना है डीपॉल वॉलेट, और इसके अंदर डॉज कॉइन डिपॉजिट करने हैं आपको। मेक श्योर डिपॉजिट करने हैं, जो आप कोई भी बाइनेंस एक्सचेंज या किसी से भी कर सकते हैं। डॉज कॉइन को सेंड कर दीजिए, इसमें 5, 10, 15, 20 जितना आप भेज सकते हैं। और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए अपनी मिंटिंग करना टोकन को, जिसमें बहुत कम फीस लगती है।